हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। हमने ये जाना कि टोटल वहाँ पे 5 डायनेस्टीज़ हैं। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं, हर एक डायनेस्टी को हमने कवर कर लिया है। एक के बाद एक डायनेस्टी वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद हमने जाना कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, म्यूज़िक सिस्टम कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, लिटरेचर क्या था। वो सब पढ़ने के बाद हम आज सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। आज हमें पढ़ना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था उस टाइम पे और सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। तो पहले हमें पढ़ना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दे इंट्रोड्यूस्ड आर्क्स, डोम्स, मीनारेट्स एंड डेकोरेशंस यूजिंग अरेबिक स्क्रिप्ट। अब देखिए, यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें हैं कि एज सच आप कह नहीं सकते कि इनको हम डिफाइन करें या अलग अलग लिखें। ये एक से रिलेटेड एक है और कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें देख लें। जैसे कि वो लोग क्या करते थे, कैसी बिल्डिंग्स बनाते थे या कैसी मीनारतें बनाते थे जिनमें आँख हो, डोम टाइप स्ट्रक्चर बनाते थे। मीनारत होता है बड़ी बड़ी मीनारें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। और जब डेकोरेट करने की बारी आए तो वो अपनी अरेबिक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे उन्हें डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, एडिड कलर्स टू देयर बिल्डिंग रेड एंड येलो स्टोन्स। अपने बिल्डिंग्स में कलर डालते थे कैसे, रेड एंड येलो स्टोन्स ये फेवरेट रहते थे उनके, तो इन्हीं दो स्टोन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। हिंदू मोटिव्स, जो हिंदुओं के जो निशान होते हैं, कुछ आप कह सकते हैं जो हिंदुओं की पहचान है, जैसे कि बेल हो गया, लोटस यानी कमल हो गया, स्वास्तिक हो गया, ठीक है, इनको भी वो यूज़ करते थे। अब एक बड़ी बात उन लोगों के बारे में कि जो भी देखिए हिंदू टेंपल्स होते थे वो लोग क्या करते थे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। वहाँ पर देखिए हिंदू टेंपल्स बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाए जाते थे, तो उन टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करके जो उनको मटेरियल मिलेगा उससे वो अपनी मॉस्क बनाते थे। अब इसी का एक एग्जाम्पल भी इन्होंने बताया है, जैसे कुवातुल इस्लाम है, ये हिंदू और जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके मैक्सिमम जो है उन्हीं मटेरियल का बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग्स। अब थोड़ा सा बिल्डिंग्स कैसे कैसी होती थी। देवर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग आर्क एंड डोम स्टाइल। तो इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक विशिष्ट जो क्वेश्चन आता है ना कि डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है दिल्ली सल्तनत का, तो वो है आर्क्स एंड डोम। ठीक है, यूज्ड चीपर एंड ईजिली अवेलेबल ग्रे कलर स्टोन्स। तो थोड़े सस्ते और आराम से मिल जाते थे ग्रे कलर के पत्थर, तो उनको ये ज़्यादातर यूज़ करते थे। फिर उसके बाद आता है और क्या क्या हुआ देखिए इनके टाइम में, तो तुगलकाबाद है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर लेक जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही बनी थी। फिर आ जाता है हमारा लोधी गार्डन। ठीक है, लोधी गार्डन कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो ये भी उसी टाइम पे बना था। फिर आ जाती है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो अब कुतुब मीनार के बारे में देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो अब आपको कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए इस चीज़ में, बट अगर फिर भी है तो फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखिए, वहाँ पर जाके आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। सबसे पहले किसने बनाई या किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों स्टार्ट की थी, इन दी मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, इन्होंने आधी बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, आधी भी नहीं, बट इनकी फिर डेथ हो गई थी। फिर आए इल्तुतमिश, इन्होंने इसको कंप्लीट किया। अलाउद्दीन खलजी ने अलाई दरवाज़ा बनाया। अब मुझे बताइए, एक बार लाइटनिंग से ये डिस्ट्रॉय हो गया था इसका अपर पार्ट, तो वो किसने मतलब रेनोवेट कराया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस सुल्तान का नाम बताएंगे। नेक्स्ट आता है कोटला फोर्ट। कोटला फोर्ट है दिल्ली में। ठीक है, तो देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा इतना ही था। अब नेक्स्ट है सम अदर डेवलपमेंट्स, मतलब ये जहाँ से क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो पहला है सिटी ऑफ जौनपुर, हिसार में है, हरियाणा में, इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनका नाम था जौना खान, तो उन्हीं की याद में बनी जौनपुर। ठीक है, सेकेंड है कुवात उल इस्लाम, ये दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। फिर है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। फिर है जमात खाना मस्जिद, ये है एट दी दरगाह ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। सीरी एक सिटी का नाम है जो कि कैपिटल भी रही है इल्तुतमिश की। फिर है कैपिटल ऑफ तुगलकाबाद, घियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। अदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो देखिए जहाँ से भी आपको किसी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, म्यूज़िक हो गया, आजकल यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो ये रह गए कि कौन सा राजा था, उसे किसने क्या बनवाया, वो क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, म्यूज़िक पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, सोशल लाइफ पढ़ना है, हर एक
राजा के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट से दिल्ली सल्तनत है इसका बनता है ये सब कुछ तो हम पढ़ेंगे। हम मुगल सिस्टम, जब मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से बनता है ना, कौन कौन से पोइट कौन कौन से राजा के टाइम में थे तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो जो नेक्स्ट आता है वो है सोशल लाइफ, मतलब उस टाइम वहाँ के लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, कैसा वो जीवन जीते थे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसको भी हम दो पार्ट्स में कह लीजिए डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदू सोसाइटी में क्या चल रहा था, और यहाँ हम पढ़ेंगे मुस्लिम सोसाइटी में क्या चल रहा था। तो देखिए जैसे हम पढ़ते ना वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब पढ़ते थे। अभी तक वैदिक इरा हमने पढ़ा है, अगर आपने एंशंट हिस्ट्री अपने आप पढ़ी, क्योंकि देखिए मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट नहीं किए, ऐसा मत कहना कि मैम आपने पढ़ाई नहीं आपने कह दिया, बट अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे वर्ण सिस्टम जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट था। तो जो ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था हिंदू सोसाइटी में, उसमें ब्राह्मण टॉप में होते थे, तो यहाँ भी ऐसा ही होता था। प्रैक्टिस ऑफ सती प्रेवलेंट, सती आप समझते हैं अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उनके साथ वहीं पे जिंदा जला दिया जाता है लाश के साथ। ठीक है, तो ये सिस्टम भी चल रहा था। वुमेन वियरिंग पर्दा, एक नया पर्दा सिस्टम आया जो हिंदू सोसाइटी में भी इंट्रोड्यूस किया गया, कॉमन हो गया, ब्रॉट बाय अरब्स एंड टर्क। अरब और टर्क इसको अपने साथ लेकर आए थे, बट थैंक गॉड पूरी तरह से नहीं अपनाया, अदरवाइज आज की डेट में हिंदू जो है वो भी पर्दा ही कर रहे होते। ठीक है, नाउ आई डोंट नो कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे है कि वुमेन वियरिंग पर्दा ये चीज़ कॉमन हो गई थी हिंदुओं की जो औरतें थी वो भी। फिर अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मुस्लिम सोसाइटी, इतना सा ये देखिए इसमें ऐसा मत सोचना बहुत ज़्यादा, मुस्लिम सोसाइटी जो है इसमें डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, टर्क्स हैं, ईरानियंस हैं, अफगान्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, इस तरह से सब डिवाइड से हो गए थे। अब डिवाइड हो गए थे तो एक दूसरे को मानते भी नहीं थे, मानते इन द सेंस कि कुछ रूल्स होते हैं ना, तो वैसे रूल्स थे कि नो इंटर मैरिजेस, एक दूसरे में शादियां नहीं करनी है। मुस्लिम नोबल्स जो हैं इनको हायर पोजीशन दी जाती थी, जो हिंदूज होते थे दे वर नॉट इवन नोटिस्ड, उनको नोटिस भी कोई नहीं करता था, पोजीशन तो हाई क्या देनी। अब हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था कि हिंदू जिम्मी है, जिम्मी इसका मतलब है प्रोटेक्टेड पीपल, यानी जिनको बचाया जा रहा है, जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फॉर विच दे हैव टू पे द टैक्स कॉल्ड जजिया, और इसके लिए उनको टैक्स पे करना होता था जिसे कहते थे जजिया। जजिया के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसको हेरिडिटरी बनाया, देखिए ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो के नोट्स बनाए नहीं बनाए, क्योंकि इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत हो गया है कंप्लीट। प्लस एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, अभी तक मैं पॉलिटी के नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। एंड राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल इंडिया इन दोनों सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बट फिर भी अभी 8-10 लेक्चर्स बचते हैं, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री को थोड़ा ट्रैक पे लाते हैं, इसमें हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जैसे ही ये थोड़ा हम आगे पहुँच जाएंगे फिर हम इंडियन ज्योग्राफी के बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि वो छूट गए या उनको हम भूल गए, वो मुझे अभी ध्यान में है, हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, आप बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़े टाइम तक इस सब्जेक्ट को पढ़ लें। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।